गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ तबरेज़ अख्तर। दिस इज़ अवर मैथ्स क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। एंड इन चैप्टर नंबर 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है 24, ठीक है। चलिए तो 24 जो है वो कितने नंबर्स की टेबल में आता है ये हमें बताना है, और यही 24 के फैक्टर कहलाते हैं, कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 1 की टेबल में आता है, आता है कि नहीं आता है, कितने टाइम्स में? 24 टाइम्स में, 1 × 24 करेंगे तो 24 हो गया, यानी 1 × 24 = 24। उसके बाद हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 2 की टेबल में भी आता है 24, कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स में, यानी 2 × 12 = 24, है ना। 2 की टेबल में यानी 2 से भी डिवाइड हो जाता है, टेबल में आना यानी डिवाइड हो जाना, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 12 टाइम्स में, ओके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, 3 × 8 = 24 होता है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी 4 × 6 = 24, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये 5 से नहीं हो सकता, किससे हो सकता है? 6 से हो सकता है, हाँ। या फिर कह सकते हैं 6 की टेबल में आ सकता है कितनी बार? 4 बार में आ जाएगा, 6 × 4 = 24, है ना। तो इतने नंबर्स हैं जो इसकी टेबल में आ सकते हैं, जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन है? एक नंबर 1 मिला, एक नंबर 2 मिला, एक नंबर 3 मिला, एक नंबर 4 मिला, एक नंबर 6 मिला, ठीक है। 6 के बाद मुझे एक नंबर 8 मिला, है ना, 8 भी है ना, ये 8 मिला, 6 मिला, 12 मिला और 24 मिला। तो इतने सारे नंबर मिले, 4 तो मैं ले चुका हूँ तो 4 दोबारा तो लूँगा नहीं, ये देखो ये वाला 4, है ना। 6 भी शायद, सॉरी 6 भी ले चुका हूँ एक बार, है ना, तो दो बार 6 नहीं लूँगा। तो कितने नंबर हैं जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2, तो इस तरीके से हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6, यहाँ पे 8 होना चाहिए, जो लिखा नहीं है भूल गया है, ठीक है। 8, 12 और 24, इतने नंबर हैं जो 24 के फैक्टर हैं, यानी 24 को डिवाइड कर पाते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, 15 का फैक्टर क्या है? 15 देखे तो एक की टेबल में तो सब आते हैं इक्वल टू, 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं, 3 की टेबल में आता है, 3 × 5 = 15, ठीक है। उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 5 × 3 = 15, अच्छा तो 5 × 3 = 15 या 3 × 5 = 15, बात तो वही है, 5 और 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 की नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो हमारे पास कितने नंबर आएंगे? 1, 15, 3 और 5, तो फैक्टर कौन से हो गए? 1, 3, 5 और 15, ठीक है। ये देखो ये हो गया आंसर। इसी तरीके से 21 जो है, 21 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, 7 की टेबल में और 21 की टेबल में, इसीलिए इसके फैक्टर हो जाएंगे ये, ठीक है। इस तरीके से आप फैक्टर वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2,
राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव एंड एट एंड नाइन। चलिए अब आते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल यानि मल्टीप्लाई, मल्टीपल यानि मल्टीप्लाई, ये बात ध्यान रखना। तो फाइव के मल्टीपल ये क्या होंगे, यानि फाइव का मल्टीप्लाई आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो फाइव का पहला मल्टीपल क्या होगा, फाइव इंटू वन फाइव, दूसरा मल्टीपल फाइव इंटू टू टेन, तीसरा मल्टीपल फिफ्टीन, चौथा मल्टीपल ट्वेंटी, फिर ट्वेंटी फाइव। तो ये एक टेबल आ रही ना, तो ये जो टेबल है ये हमको मल्टीपल ही शो करती है। और इसीलिए अगर क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट फाइव मल्टीपल बताइए, फर्स्ट फाइव यानी शुरू के पांच मल्टीपल बता दीजिए, यानी टेबल जो पढ़ते हैं वो फाइव वन जा फाइव से पढ़ के फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तक पढ़िए और आपको जो आंसर मिलता है वही आपके मल्टीपल होंगे। तो पहला मल्टीपल होगा फाइव का, फाइव वन जा फाइव यानी फाइव, दूसरा हो जाएगा टेन यानी फाइव टू जा टेन होता है इसीलिए, फाइव थ्री जा फिफ्टीन होता है, तो थर्ड मल्टीपल फिफ्टीन, फोर्थ ट्वेंटी एंड फिफ्थ ट्वेंटी फाइव। तो मल्टीपल का मतलब समझ गए, जो उसकी टेबल में आता हो यानी जो मल्टीप्लाई करने पे आता हो, ठीक है, वन का करो या टू का करो या किसी का भी करो, है ना। अब एट का मल्टीपल बताना है तो एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी टू एंड फोर्टी। नाइन का बताना है तो नाइन, नाइन टू जा एटीन, ट्वेंटी सेवन, थर्टी सिक्स, फोर्टी फाइव। ये हो गया, मैच द आइटम इन कॉलम वन एंड कॉलम टू, यहाँ पे हमको मैचिंग करना है। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट में लिखा हुआ है थर्टी फाइव, फर्स्ट में लिखा है थर्टी फाइव, तो थर्टी फाइव क्या है, मल्टीपल ऑफ सेवन, सेवन का मल्टीपल है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फिफ्टीन, फिफ्टीन क्या है, फिफ्टीन थर्टी का फैक्टर है, हाँ थर्टी की टेबल में आता है इसीलिए थर्टी का फैक्टर है। सिक्सटीन क्या है, सिक्सटीन जो है वो मल्टीपल है किसका, एट का मल्टीपल है, एट की टेबल में आता है ना, इसीलिए एट का मल्टीपल है। ट्वेंटी क्या है, ट्वेंटी आपका कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी क्या, फोर्थ का एफ और फिफ्थ का ई, हो सकता है कुछ यहाँ पे मिस्टेक दी हुई हो, तो आप को यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ में देख लीजिएगा बुक में क्या दिया हुआ है और उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीपल या फैक्टर की ही बात हो रही है इसमें, ठीक है, तो मैच कर लीजिएगा बुक से एक बार। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड, मल्टीपल ऑफ नाइन, नाइन के मल्टीपल बताने हैं कहाँ तक, जब तक कि हंड्रेड या हंड्रेड के पास ना पहुँच जाओ। ठीक है, तो नाइन की मल्टीपल यानी नाइन में हमको मल्टीप्लाई करते जाना है, पहले वन का, फिर टू का, फिर थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, मल्टीप्लाई करते ही जाना है जब तक हमको हंड्रेड ना मिल जाए या हंड्रेड के आसपास ना पहुंच जाए। तो ठीक है, नाइन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, नाइन वन जो नाइन, टू से करेंगे तो एटीन, थ्री से करेंगे ट्वेंटी सेवन, फोर से करेंगे थर्टी सिक्स, फिर फोर्टी फाइव, फिफ्टी फोर, सिक्सटी थ्री, सेवेंटी टू, एट्टी वन एंड नाइन्टी। ठीक है, नाइन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन्टी आएगा, इलेवन से करेंगे तो नाइन्टी नाइन आएगा, ट्वेल्व से करेंगे तो यहाँ पे आगे आ जाएंगे, वन ज़ीरो एट आएगा। तो हमको यहाँ तक नहीं जाना था, हमको तो हंड्रेड तक ही जाना था, तो हम कहाँ तक लिखेंगे, नाइन्टी नाइन तक। ठीक है, ये देखो ये हमारा आंसर है नाइन्टी नाइन। अब एक्सरसाइज 3.2 को भी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 3.1 बहुत छोटी थी। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू,
ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। दो ऑड नंबर का सम क्या होता है? मान लीजिए एक ऑड नंबर 1 है और दूसरा ऑड नंबर 3 है, तो उसका सम क्या होगा? 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, उसका सम हो गया 8। चलिए पहले तो हमने ये ऑड नंबर का सम करके बता दीजिए, लेकिन अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नहीं होते। ठीक है, तो कुछ ऑड नंबर को बताऊं मैं तो 1 हो गया एक ऑड नंबर, फिर दूसरा ऑड नंबर क्या हो गया? 2 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 तो डिवाइड हो जाता है 2 से, इसलिए 2 नहीं होगा। दूसरा ऑड नंबर होगा 3, तीसरा हो जाएगा 5, चौथा हो जाएगा 7, फिर 9, फिर 11, यानी एक नंबर छोड़ छोड़ के जो काउंटिंग आती है, ठीक है, वो पूरे ऑड नंबर की हो जाएगी ये काउंटिंग। इवन नंबर में क्या आ जाएगा? जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 के बाद 4, 8 और 6 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ये सारे नंबर इवन नंबर कहलाएंगे, यानी लास्ट में 0 होगा जिसके, वो भी इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ऑड नंबर को जब प्लस किया 1 और 3 को तो 4 आया, 4 एक इवन नंबर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया, 3 और 5 को प्लस किया तो 8 आया, जो कि एक इवन नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो ऑड नंबर को जब प्लस करते हैं तो हमको इवन नंबर मिलता है। ठीक है, और दो इवन नंबर को प्लस करने में भी इवन ही मिलता है, जैसे कि 2 + 4 = 6, 6 + 8 = 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 3 ऑड नंबर का सम जो है वो क्या होता है? इवन होता है। तो ये वाला जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? सम ऑफ 3 ऑड नंबर, मान लीजिए कि 3 ऑड नंबर है, एक 1 है, एक 3 है और एक 5, इसका अगर हम प्लस करते हैं तो 5 + 3 = 8 = 9, 9 आ रहा है। तो क्या ये इवन है? ये इवन नहीं है, इसीलिए हमने शुरू वाला फॉल्स किया। ठीक है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ठीक है, तो यहाँ 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर को ले ले तो इवन मिलता है, करके देख लो। ये सही है, मिलता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। मान लो कि 1 है 1, दूसरा है 3 और 1 है 5, ये तीनों ऑड नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 15, क्या आएगा? 15। 15 एक इवन है या ऑड है? ऑड है, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर भी सही होगा, ये ट्रू होगा। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। अगर कोई इवन नंबर डिवाइड होता है 2 से, किससे, तो क्वोशेंट जो मिलता है वो हमेशा ऑड मिलता है। क्या ये सही है? देख लेते हैं। मान लीजिए 16 है, उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 8। क्या 8 ऑड है? नहीं, ये इवन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो गलत है।
ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड होते हैं। ये भी गलत है क्योंकि टू एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है कि नहीं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट वन या फिर इट्सेल्फ, यानी खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो पाते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 11 है, तो क्या ये 11 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से होता है? नहीं होता। 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, किसी से नहीं होता। तो 11 किससे होता है? सिर्फ 11 से डिवाइड हो पाएगा 11, या फिर 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए 11 जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं 12 की बात करूं, तो 12 जो है किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और 6 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। यानी इसको डिवाइड करने के लिए 1 भी है इट्सेल्फ, यानी 12 भी है, उसके अलावा और भी नंबर हैं, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही कहलाता है जो 1 से डिवाइड होता है और इट्सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, तो ये गलत है क्योंकि 2 जो होता है वो भी एक प्राइम नंबर है और इवन है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, ये ऐसा नहीं कह सकते। प्राइम नंबर के फैक्टर में एक 1 आता है और वो खुद का नंबर वो खुद ही आता है, ठीक है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, सम टू प्राइम नंबर का जो सम है वो एक इवन होता है हमेशा। तो क्या ऐसा है? नहीं। दो प्राइम नंबर हैं, मान लो एक 2 है और एक 3 है, तो क्या इनका सम क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो कि ऑड है, ठीक है। तो ये भी गलत होना चाहिए। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी सही है, 2 इवन प्राइम नंबर है, है ना। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जितने भी इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ये गलत है, ठीक है। 2 जो है वो एक इवन नंबर है लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजाइट नंबर या कॉम्पोसाइट नंबर कौन से कहलाते हैं? देखिए, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते तो वो कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर जो नहीं होते वो कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं, जैसे कि 2 एक सॉरी हाँ जैसे कि आपका हो जाएगा 4। इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कॉम्पोजाइट नंबर को, कि जो 1 और इट्सेल्फ से डिवाइड होने के अलावा भी किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, यानी जिसके फैक्टर कम से कम 3 होते हैं, जिसमें एक तो 1 हो जाएगा, जैसे कि 4 है, एक 1 हो गया और एक 4 हो गया, ये 1 और 4 से डिवाइड तो हो ही जाएगा 4, इसके अलावा भी एक और नंबर होना चाहिए कम से कम, यानी ये 2 से भी 4 डिवाइड हो जाता है, तो एक और फैक्टर आ गया 2। तो जिसके फैक्टर कम से कम 3 हो या 3 से ज़्यादा हो वो कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं, और जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो वो कहलाता है प्राइम नंबर, और 2 फैक्टर यानी जैसे कि 5, 5 के 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, ठीक है।
तो इसीलिए ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजाइट नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कॉम्पोजाइट होते हैं, ये ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, क्योंकि इवन नंबर को अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला इवन नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो क्या ये 2 कॉम्पोजाइट नंबर हैं? क्या ये 2 कॉम्पोजाइट हैं? नहीं, ये प्राइम नंबर है, इसीलिए ये चीज़ गलत होनी चाहिए, आई गलत होना चाहिए। जे में आते हैं, ऑल प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करें, जैसे कि एक इवन नंबर 2 है और दूसरा 4 है, इनका प्रोडक्ट करें तो क्या मिलता है 8, तो क्या ये इवन है? हाँ ये इवन है, इसीलिए इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जांपल को सॉल्व करके इन ट्रू फॉल्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। जैसा कि ये दिया हुआ है 13 और 31, तो 13 और 31 जो है वो प्राइम नंबर है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्राइम नंबर बताइए जो इसी तरीके से सेम डिजिट से मिलके बने हों और 100 तक के बीच के हों, 100 से ज़्यादा के ना हों। तो ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में मैंने बता दिया, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होता। तो पहला प्राइम नंबर 17 है और इसका उल्टा करें तो 71 होता है, ये भी प्राइम नंबर है। फिर दूसरा हमें मिला 37 और इसका उल्टा किया तो 73 हो गया, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। फिर मिला 79 और इसका उल्टा किया तो 97 होता है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमको इतने पेयर मिल गए 100 के अंदर तक के। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजाइट नंबर लेस देन 20, 20 से अंदर के कॉम्पोजाइट नंबर लिखने हैं और प्राइम नंबर भी लिखने हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर होगा 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कॉम्पोजाइट नंबर होंगे कौन सा होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सारे कॉम्पोजाइट नंबर हो जाएंगे। वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में 7 होगा, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। इन जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं नंबर्स, इसको सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो 44 को ऐसा ब्रेक करें कि दोनों नंबर जो है वो ऑड मिले, तो एक 3 और 41, 3 + 41 किया जाए तो 44 होता है, और ये दोनों ही नंबर ऑड हैं। ठीक है, उसके बाद 36 को ऐसा ब्रेक करें कि हमें दो नंबर ऑड मिले, एक 5 में ले लिया और एक 31 ले लिया, तो ये 36 ही होता है और ये दोनों ऑड है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको इसको ब्रेक करके ऑड नंबर में तोड़ना है, यानी 17 + 7 कर देंगे तो 24 आ जाएगा, दोनों ही ये 17 और 7 ऑड हैं, 7 और 11 18 होता है, ये दोनों ही ऑड हैं। ठीक है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, अब ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो 3 और 5 जो है वो प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस निकालें यानी इनको माइनस करें तो 2 आता है। ठीक है, ये सही, 7 और 5 ये भी प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस निकालें तो भी 2 आता है, ये भी सही, और 13 और 11 प्राइम नंबर है, इनका अगर डिफरेंस निकाले तो भी 2 आता है। तो इस तरीके से हमने 3 पेयर बना लिए।
विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से नंबर्स कौन वाले प्राइम हैं। मान लीजिए 23 एंड 37 ये दोनों प्राइम हैं, ये किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, और 51 और 26 प्राइम नहीं है, यानी कॉम्पोजाइट नंबर है। राइट सम कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजाइट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। ऐसे कॉम्पोजिट नंबर बताइए जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो और 100 से अंदर तक के होने चाहिए, ठीक है। तो 90 और 91 इनके बीच में जगह ही नहीं है, तो कोई प्राइम नंबर कैसे आएगा, और ये दोनों कॉम्पोजाइट नंबर हैं। 92, 93 ये सारे कॉम्पोजाइट नंबर हैं, 94, 95 एंड 96, ठीक है। तो ये हैं आपके सेवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सेवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर, तो वो कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। जैसे कि 1 है तो उसके बाद का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव होंगे। अगर मैंने लिख दिया 30 तो 30 के बाद का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 31, 32, 33, यानी उसके बाद आने वाले नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। हम बीच के कोई नंबर छोड़ नहीं सकते, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में छोड़ नहीं सकते। सेवन कॉन्जिक्यूटिव कंपोजाइट नंबर बताने थे, तो कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, तो 90 एक कॉम्पोजाइट है, 91, 92, 93, 4, 5, 6 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और कॉम्पोजाइट भी हैं, और 7 नंबर्स हैं, 7 हैं, ठीक है। इसीलिए आंसर यही होना चाहिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तीन प्राइम नंबर का सम बताना है इनको, किनको, 21 को। तो 21 को कौन से तीन प्राइम नंबर से मिला के बना सकते हैं, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, एक 11 हो गया, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो 21 ऐसे बनेगा, इसी तरीके से 53 बनेगा, 13 प्लस 17 प्लस 23 को ऐड करके ये तीनों नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। हमें ये याद रखना है कि हमको सिर्फ प्राइम नंबर लेना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। तो इस तरीके से आप सम करेंगे, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हूज सम इज़ डिविजिबल बाय 5, हिंट 3 प्लस 7 इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जिनको जोड़ने पे हमें क्या मिले, जिनको जोड़ने पे, दो प्राइम नंबर को जोड़ने पे हमें ऐसा नंबर मिले जो कि 5 से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर अगर 2 लिया, दूसरा 3 लिया और 2 प्लस 3 को ऐड किया तो हमें 5 मिला, 5 5 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये वाला पेयर हमारा सही है। उसके बाद 7 प्लस 13 का पेयर बना के देखा तो हमको 20 मिलता है जो 5 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये वाला पेयर भी सही है। और दूसरा पेयर और बनाने चले हम तो 3 प्लस 17 का बनाते हैं जो कि हमको मिल जाता है 20, और ये भी सही है। और दूसरा पेयर बनाएंगे तो 2 प्लस 13 जिसमें से 15 मिलता है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये जो प्राइम नंबर का पेयर है ये भी सही है। और 5 प्लस 5 के प्राइम नंबर का पेयर ये भी सही है क्योंकि 10 मिलता है जो कि 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से हमको पेयर बनाने हैं दो नंबर्स के, वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और आंसर में हमें वो मिलना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाता हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड कॉम्पोजाइट नंबर, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजाइट होता है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉर कॉम्पोजाइट नंबर, 1 को ना हम प्राइम नंबर लेते हैं ना कॉम्पोजाइट नंबर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। मैं ये फिल इन द ब्लैंक बता रहा हूँ, है ना, ये सारे बता दिया। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजाइट नंबर इज़
फोर, सबसे छोटा कॉम्पोसाइट नंबर फोर होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ टू, सबसे छोटा इवन नंबर टू होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लैंक, और इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 भी कर ली। 3.1 एंड 3.2 अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।